cover me! Team match, let's go. For the red team! No mercy! अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग? आज आ गए हम एक और वीडियो के साथ। तो गाइस, ये था मेरे भाई के साथ मेरा 1v1 रूम, जिसका नाम है अयान। और अच्छा खेलता है ये भी, लेकिन आपको पता है फिर भी बीबीएक्स उस्मान जब खेले तो किसी को टिकने नहीं देता। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अच्छा वाला रूम खेल रहा है और हम अच्छी की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मार गया मुझे। गुड मोमेंट, लेकिन अभी आपका भाई भी इसको छोड़ेगा नहीं, देखते रहे। अभी मैं जा रहा था और ये पीछे ही रहा, आगे नहीं आया। और ये आगे एकदम से आ गया, स्लाइड लेके मारूंगा इसको। ये तो गाइस लीड थी एक ही हमारे पास, और मैं कोशिश करता हूँ कि स्कोप ओपन ना करके खेलूँ, मगर मुझे आदत था। तो यहाँ पर मैंने इसको मारा, लेकिन मुझे मार ही गया। तो ये 1-1 HP बच रहा था, लेकिन बच रहा था पता नहीं क्यों। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब हम जा रहे हैं आगे और ये घूमने लग पड़ा है यहाँ पर पता नहीं क्यों। और इसको मैं नज़र नहीं आया, लेकिन डैमेज इसने मुझे अच्छा दिया, लेकिन इसकी रीलोड लग गई वरना मैं मार गया था। डैमेज दे रहा था लड़का अच्छा। तो गाइस मेरे पास कोई M4 फूल नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं, एक सीधा साधा यूट्यूबर हूँ। अभी स्टार्ट किया मैंने, आगे जाके ग्लेशियर भी निकालेंगे और फूल भी निकालेंगे। तो यहाँ पर अब आ गई हमारे पास 2 की लीड। और ये देखिए मेरी गलती, मैंने दोबारा स्कोप ओपन कर लिया, यहाँ पर बाय पीछे भाग गया। और फिर मैंने कहा नहीं, पुश करते हैं क्योंकि बिकॉज इसके पावर। यहाँ पर मेरी भी रीलोड लग गई और ये पीछे भाग गया। अच्छी ट्रिक थी ये, अगर आप मेरे सामने रहता तो ये मर गया था, लेकिन यहाँ पर मैं इसको मार दूँगा हेड शॉट के साथ। तो अब आ गया हमारे पास 3 की लीड। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अयान के साथ और रूम खेलूँ, तो आप मुझे बताइएगा, मैं और रूम खेलूँगा और हम बाकी लोगों के साथ भी रूम खेलेंगे जो चैलेंज करेंगे। किसी यूट्यूबर के साथ तो नहीं खेल सकते, बिकॉज अभी तो मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो मेरा पता भी नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम सबके साथ रूम खेलेंगे। तो गाइस इधर आ चुकी है हमारे पास फ़िलहाल 5 की लीड, जो कि एक बेहतरीन चीज़ है। अब ये फूल घूम के आएगा और मैं रूम खेलता हूँ 1-sided, मतलब एक साइड रूम। और ये पता नहीं कौन से नशे में था। तो आ चुकी है 6 की लीड। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ से आ रहा है, और यहाँ मेरी गलती कि मैंने स्कोप ओपन करके खड़ा रहा, इसी का उसने फ़ायदा उठाया और हेड शॉट से मार दिया। तो गाइस आपको मैं मशवरा दूंगा कि जब आप क्लोज इन में हों तो स्कोप ओपन मत करें, कोशिश करें कि अपने एम से उसको मारें। और यहाँ स्लाइड लेके मारा बाबा अच्छी। तो अभी हो चुकी है हमारे पास फिलहाल 6 की लीड, और ये फिर वहीं से आ रहा है। गलती की इसने, मुझे देखा नहीं, लेकिन मूवमेंट अच्छी कर, लेकिन आपको पता है फिर बीबीएक्स उस्मान ने मार दिया है। गाइस पहला वॉइस ओवर है, इग्नोर कीजिएगा, गेम पे फोकस करिएगा, आगे आगे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है 7 की लीड, और यहाँ पर फुल सस्ते नशों के साथ मूवमेंट चल रही है, लेकिन मैंने जिगल करके मार दिया। 8 की लीड है अभी हमारे पास, और 3 की कॉम्बो है। और ये यहाँ पर अच्छी मूवमेंट करके मुझे मार गया। ये नहीं कि ये अच्छा प्लेयर नहीं, अच्छा प्लेयर है, अभी मेरा स्टार्टअप है, तो अभी हम और भी लोगों के साथ रूम खेलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और यहाँ पर मैंने इसको डैमेज दिया, इसलिए मैं आगे आया और मैं फिर इसको ले गया। अगर मैंने डैमेज ना दिया होता तो फिर मैं शायद पीछे से रह के मारता। और अभी हमारे पास काफ़ी अच्छी लीड है, 13-5 का मुकाबला चल रहा है।
ये भाई साहब ने क्या डैमेज दिया यार, बहुत ये अच्छा डैमेज था यहाँ पर इसका। तो अभी थोड़े चिटिंग करते हैं, क्योंकि हम जब रूम में खेलता हूँ ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि नेट यूज ना करें। और यहाँ पर भी अच्छी मोमेंट उसने की और हेलमेट ही उड़ा दिया। तो अभी फ़िलहाल 13-7 हो चुके हैं और फिर मैं आगे जा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं फिर मारूंगा, नहीं अब नहीं नहीं अब शायद मैं मार दूंगा, नहीं फिर मारूंगा। ओए अच्छी अच्छा मोमेंट दे रहा है लड़का। तो गाइस अभी हम अभी तो TDMs वगैरह की वीडियो अपलोड की है, आगे हम इंशाल्लाह रेंगल लेवे और दूसरे मैप्स को भी ट्राई करके वीडियोस डालेंगे। तो अगर आप उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब ये लड़का आया आगे और जाएगा वापस। यहाँ मैंने इसको बहुत अच्छा मारा, हेड हेड दिए लेकिन कोई मूवमेंट नहीं की यहाँ पे, बिकॉज सामने था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज था। आ गया फिर से, आ गया और फिर से लोबी में जाएगा, बिकॉज उसको मैंने हवा में बहुत डैमेज दिया और यहाँ हेड शॉट से मार गया। 8-6 का मुकाबला, फिर 3 की कम्बो लगाई मैंने। तो अभी मैंने कहा थोड़ी चीटिंग करते हैं और यहाँ पर हो गई कैंपिंग शुरू, कैंपिंग वाले काम शुरू हो चुके हैं। और ये मुझे यहाँ पर मार देगा क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था, और ये अचानक से मेरे सामने दूर से मारेगा लेकिन मार देगा। वो देखे आया, नज़र आया आपको, आपको नहीं लगा मुझे आ गया, लेकिन मुझे मार गया। मुझे लगा ये लेफ्ट से आएगा लेकिन नहीं गया। सो कोई बात नहीं, 9-16 का मुकाबला, अच्छी लीड है हमारे पास और हम इसको ज़रूर मारेंगे और बहुत ज़ोर। अच्छा यहाँ पर भी इसने चीटिंग की, नेट का इस्तेमाल किया और मार गया। चीटिंग की इसने ताकि मैं अपने उस्मान भाई को मार सकूं, लेकिन हम इसका ज़रूर बदला लेंगे। और ये यहाँ पर सस्ते नशे हो रहे हैं, बस सस्ते नशे कर रहा लड़का। तो 7 की लीड है हमारे पास, अभी फिर ये लोग भी जाएगा मेरे ख्याल से। यस अच्छी मूवमेंट की उसने भी और मैंने भी, अच्छा है। अच्छा मूवमेंट से कुछ होता तो है, एक तो आप एनिमीज़ को जो है ना वो अपना उसका एम जो है वो आप नहीं आने देते, लेकिन आपका एम भी अच्छा होना चाहिए। देखिए मैंने कोशिश एम नहीं इधर किया, एम नहीं मेरा यहाँ पर ठीक था, लेकिन मैं मूवमेंट करता रहा और उसका मूवमेंट भी अच्छी थी इस वाले किल पे और उसका एम भी मेरे पे ही था। तो गाइस कोशिश क्या करें, एम पहले रखें, मूवमेंट से ये होगा कि उसका एम ख़राब होगा। अब देखिए मेरा यहाँ पर एम उस पे ही था, मैंने पहले स्लाइड किया फिर मूवमेंट की और मेरा एम उस पे ही रहा। तो कोशिश किया करें अपना एम पहले ठीक करें और मूवमेंट को बाद में करें। अब यहाँ पर एम था मारा लेकिन मोमेंट सिर्फ ही लेटा हूँ। तो कोशिश करें अपना एम बेहतर करें ताकि आप अगर सीधे रह के भी उसको मार सकें तो मार दें, अगर आपका एम अच्छा है तो आप सीधे रह के भी मार सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये मोमेंट करता रहा लेकिन मेरा एम इस पे था और इसका एम मोमेंट के दौरान ही ख़राब हो गया। अक्सर लोग ये करते हैं कि मोमेंट के दरमियान ही अपना एम ख़राब कर लेते हैं। अभी मुझे इतना कुछ पता नहीं, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, यहाँ मेरे कोई 1-2 लाख सब्सक्राइबर नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी होंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने मूवमेंट की लेकिन एम ख़राब कर लिया अपना, और उसने अपना सिर्फ एम रखा। और यहाँ पर ये देखिए चेक करें कि प्री फायर में मैंने इसको मारा। हाँ पहले प्री फायर किया करें, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि हम प्री फायर में लोग मर जाते। यहाँ पर इसने गलती की, ये लेट गया, सबसे बड़ी गलती की इसने कि इसको आके मेरे सामने लेट गया और मैं इसको आराम इजीली मार गया। 23-12 का मुकाबला जारी है, उसको मैंने हवा में बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, हवा में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। तो ये अब आगे मेरे सामने खड़ा हो गया और ये अगर आपको पता फिर जब वो लीड आ जाए तो यहाँ लोग रूम लीव कर देते हैं या हमको मारने नहीं देते या वो आके टीम अप कर लेते हैं। और ये देखें फिर सस्ते नशे हो रहे हैं और मार गया मुझे, ये मुझे समझ नहीं है यहाँ पे मुझे कैसे मार गया। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि 24-13 का मुकाबला जारी है, मैं फिर आगे बढ़ा बिकॉज मेरे पास लीड है। और ये देखें यहाँ थोड़ी मोमेंट की और अपना एम बेहतर रखा। अब यहाँ पर हम उठाएंगे ओम, सो ओम मैंने गॉडज़िला निकाली, निकल गई मेरी। और शायद अगर ये वीडियो का वॉइस अगर बना रहता तो अयान का रिएक्शन भी बहुत ओपी था, लेकिन पता नहीं वॉइस क्यों चला गया, शायद मैंने सेटिंग नहीं की होती। यहाँ पर ये शायद मुझे मार देगा, यहाँ मुझे मार गया।
सो गाइस अब आप देख सकते हैं 26 और 14 का मुकाबला है, और हम बात कर रहे थे गॉडज़िला ओम की, तो वो मैंने 600 UC में निकाल ली है। और आपको अच्छी लगी होगी शायद वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोबारा फिर से कहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए, और मैं लेटेस्ट और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगा। और बस सस्ते नशे कर रहे हैं, अगर गेम का वॉइस होता तो